हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन मूंगफली की चटनी। तो मैंने एक कटोरी कच्ची मूंगफली ले ली है, एक चम्मच चना दाल ले ली है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कलियां, एक हरी मिर्च। तो मैंने गैस पर पैन रख दिया है। अब मैं मूंगफली डालकर फ्राई कर लूँगी, इसमें चना दाल भी डाल दूँगी। गैस को मीडियम ही रखेंगे। गैस को हाई नहीं करेंगे, हाई कर देंगे तो हमारी मूंगफली जल जाएगी, इसलिए मीडियम गैस पर ही मूंगफली को हम फ्राई करेंगे। ये 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाती है। मूंगफली और चना दाल हमारी भुन गई है। गैस को हम बंद कर देंगे, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसको ठंडा होने देंगे। मूंगफली के दाने और चने की दाल हमारी ठंडी हो गई है। अब मैं मूंगफली के दानों को अलग निकाल कर साफ कर लूँगी, इसका छिकल हटा दूँगी। मूंगफली के ऊपर जो छिलका था वो मैंने हटा दिया है। अब मैं मिक्सर जार में इन मूंगफली दानों को डाल दूँगी, इसमें चना दाल भी डाल दूँगी, इसमें अदरक मिर्च और लहसुन की कलियों को भी डाल दूंगी। इसमें आधी चम्मच नमक डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूंगी और इसे पीस लूंगी। मूंगफली को हमने पीस लिया है, आप देख लेंगे जितना आपको इसमें पतली गाढ़ी चाहिए उतना ही पानी ऐड करेंगे। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी। मूंगफली के पेस्ट को हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। गैस पर हमने चमचा तड़का रख दिया है। चमचे में मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच राई दाना डाल दूंगी, 2 लाल मिर्च डाल दूंगी, आपके पास करी पत्ता हो तो करी पत्ता से भी तड़का लगा सकते हैं। मेरे पास करी पत्ता नहीं है तो मैं इसमें राई से और लाल मिर्च से तड़का लगाऊंगी। तो मूंगफली की चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब आप इसे डोसे के साथ खाइए, इडली के साथ खाइए या बड़ा के साथ खाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।